नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया की ज्योतिष संस्थान टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रगति मीडिया की ज्योतिष संस्थान टीम एक ऐसी टीम है जो लोगों के लिए भले का कार्य करती है। लोगों के लिए ऐसे उपाय या कुछ ऐसी काम की बातें लेके आती है या कुछ ऐसे कार्य लेके आती है जिससे समाज का कल्याण हो सके। यह हमारे प्रगति मीडिया की एक टीम है जिसके अंदर हमारे प्रगति मीडिया के अंदर काफ़ी टीम आती है जो कि टेक्निकल है, जो मीडिया से रिलेटेड है या कुछ ज्योतिष से रिलेटेड या कुछ एनजीओ से रिलेटेड भी कुछ टीमें कार्य करती हैं। आज हम जिस टीम की बात कर रहे हैं, हम ज्योतिष संस्थान टीम की बात कर रहे हैं। ज्योतिष संस्थान टीम के द्वारा कुछ लोगों के नाम के ऊपर बहुत सारी बातें, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें हमने काफ़ी नाम की वीडियो हमने बताई हुई है, जिसमें काफ़ी डिफरेंट नाम की वीडियो हमने बनाई हुई है। इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा नहीं कर सकते। अगर आपको देखना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाके नेम मीनिंग में अंदर जाके आप देख सकते हैं कि किस नाम से हमने किस कौन सी वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों, आज हम जिस नाम के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं वह नाम है दीपक। हमारे पास हम इससे बाद में और भी नामों पर बनाएंगे, जैसे सुंदर, प्रदीप, ज्योति, पूजा, बहुत सारे नाम हैं। कोई भी हम नाम जैसा आप बोलेंगे, हम प्रवीण, मतलब कुछ भी आप जो भी नाम बोलेंगे, हम उस पर हम वह भी आपको जानकारी देंगे जो उनके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड होती है। आपने कई वीडियो में देखा होगा, लोग जो काफ़ी वैसी वीडियो है जहाँ पे केवल राशि और उनके नाम के जो मीनिंग्स होती है केवल उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे प्रगति मीडिया की ज्योतिष टीम है वह जानकारी देती है जो आपको यूनिक होती है, और वह जानकारी देती है जो आपको जानने के लिए बहुत उपयोगी रहती है, जिसमें हम उनके पढ़ाई लिखाई, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से संबंधित काफ़ी तरह की जानकारी हम देते हैं। दोस्तों, हम दीपक नाम की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी एक बात हम कहना चाहेंगे। हमारे पास में बहुत कॉल्स आते हैं, हमारे पास बहुत मैसेज भी आते हैं, वो लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं और हमसे पूछते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको हर वीडियो में कहते हैं कि आप जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप हमें पहली बात तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करें, और उसके हमने छोटे चार्जेस रखे हैं। क्योंकि चार्जेस इसलिए नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, हम चार्जेस इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो टीम ने मेहनत करके जो कामयाबी हासिल की है उसका हम एक छोटा सा चार्जेस लेते हैं, वो मात्र 50 रुपये या 100 रुपये रहता है। आप इतना तो दे ही सकते हैं अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो। आप इस वीडियो को अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अगर आपके आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है या ऐसी कोई दिक्कत है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका समाधान पाने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, या जिसके जिसको पूछने के लिए आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा है, वो भी आप हमारी ज्योतिष संस्थान टीम से आप पूछ सकते हैं। हमारी ज्योतिष संस्थान टीम का एक ही लक्ष्य रहता है, बताएं तो आपको 100% सही बताते हैं, नहीं तो आपको मना कर दिया जाता है कि हम नहीं बता सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं दी जाती है। आइए दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। दीपक नाम से संबंधित हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम उनके बचपन का समय, उनकी जवानी का समय, उनके बुढ़ापे का समय, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका प्यार, उनकी कैसी लाइफ रहती है, उससे संबंधित हम कुछ चीज़ें उसमें आज हम जानेंगे। दोस्तों, हम अपना वीडियो के ना समय व्यर्थ करते हुए सीधे हम नाम पे आते हैं कि दीपक नाम के हम इसके बारे में आज हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम तीनों के बारे में जानेंगे। उनका बचपन का समय कैसे रहा है, उनकी जवानी का समय कैसे रहेगा, और उनके फ्यूचर का समय जो उनका बुढ़ापे का या 40 के ऊपर का जो समय हो जाता है वो कैसा रहेगा, और उनके 60 साल का समय, मतलब जो भी उनकी पूरी लाइफ होती है उसके बारे में, नेम से संबंधित उनकी व्यक्तिगत जीवन पर कितना असर रहता है उससे संबंधित हम कुछ जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका प्यार वगैरह, नौकरी वगैरह, इनसे संबंधित भी हम आज कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले टॉपिक पे आते हैं कि दीपक जो नाम होता है, दीपक नाम का मतलब क्या होता है। दीपक नाम का सबसे नॉर्मल मतलब है, जैसे आप नाम से ही जान सकते हैं, दीपक जो अंधेरे में भी प्रकाश का काम कर सके। अब दीपक नाम के व्यक्ति कैसे होते हैं, दीपक नाम का ओब्वियसली लड़का ही होगा, तो दीपक नाम के लड़के कैसे होते हैं, इसके दीपक नाम का जो प्रकाश है वो प्रकाश तो ऐसा नहीं कि जो जहाँ जाएंगे वहाँ चमक ही चमक हो जाएगी, वो क्या उनके व्यक्तिगत जीवन पर असर करता है। दीपक नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो लोगों के बीच में जब भी जाते हैं एक अपनी पहचान अलग ही बना लेते हैं। अगर 50 लोगों के बीच में या 20 लोगों के बीच में खड़े होते हैं, उनकी चमक, उनका जो तेज होता है, उनका जो ग्रोथ होती है, या उनके जो बॉडी होती है, या उनके बोलने का स्टाइल होता है, वो अपनी
चमक वहाँ पे एक अलग ही बना लेते हैं। अगर वो अपने जीवन में कामयाब होते हैं, अगर अपने जीवन में मेहनत करके और अच्छे उपलब्धि हासिल करते हैं, तो दीपक नाम के एक अच्छे स्थान पर, बहुत बढ़िया स्थान पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफ़ी उपलब्धियाँ, काफ़ी हौसला और काफ़ी उन्हें उन्नति मिलती है। जी, इस नाम का, दीपक नाम का जो मतलब होता है, ये यहाँ पे फिट बैठता है। आइए अब जानते हैं उनके दीपक नाम के बचपन का समय। बचपन के समय का अगर बात करें तो बचपन का समय, दीपक नाम के जो बचपन का समय होता है, काफ़ी अच्छा होता है। उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, वो काफ़ी सपोर्टेड रहते हैं और जो दीपक नाम के बच्चे होते हैं उनको काफ़ी अच्छी परवरिश देते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात हो या किसी भी क्षेत्र से बात हो, उन्हें हर तरह से वो काफ़ी सपोर्ट देते हैं। दीपक नाम के जो लड़के होते हैं वो देखने में अच्छे होते हैं, चाहे पतले से दुबले से हो, लेकिन देखने में अच्छे होते हैं। लुकवाइज या आप उनसे बात करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और मिलने में भी आपको अच्छा महसूस होगा। दीपक नाम के जो लड़के होते हैं, उनका बचपन के समय उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, पेरेंट्स का सपोर्ट अच्छा होता है। और दूसरी बात, इनका जो बचपन में इन्हें कोई ज़्यादा परेशानी या ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वगैरह ऐसी नहीं आती है। मतलब नॉर्मली बच्चों का जो अच्छे बच्चों का जो जीवन बचपन का समय बीतता है, इस तरीके से इनका बीतता है, इतनी कोई खास दिक्कत नहीं आती है। अब आ जाती है इनकी 13 साल की उम्र की बात, जब इनका स्कूल वगैरह में जाते हैं तो इनकी पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाती है। मतलब अगर बात करें तो हम 9, 10 या 1 क्लासेस वगैरह होती हैं, इस समय इनकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है, या तो इनकी किसी वजह से पढ़ाई रुक जाती है या किसी वजह से ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जो इनकी यहाँ पे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ जाती है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्हें हमेशा ऐसी चीज़ें पढ़ने का शौक रहता है जो कि बहुत डिफरेंसेस होती है। मतलब अगर कोई नॉर्मली अगर कोई आर्ट्स साइड पढ़ रहा है तो इन्हें साइंस साइड पढ़ने का शौक रहेगा या संस्कृत से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने का शौक रहेगा। मतलब लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ने का इनको शौक रहता है। और इनकी जो कॉलेज लाइफ रहती है, कॉलेज लाइफ भी इनकी नॉर्मली ही रहती है, इतनी कोई खास या इतनी हाई क्लास नहीं रहती है। और पढ़ाई लिखाई में ये नॉर्मल रहते हैं, इतनी खास हाई क्लास पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें सक्सेस हासिल कर लेते हैं। अब आ जाते हैं, अब इनकी 18 साल की उम्र के बारे में बात करते हैं, जब इनका जवानी का टाइम आता है। इनकी जो लव लाइफ होती है, लव लाइफ में ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ज़्यादातर ये इनको धोखा मिल जाता है, जिस लड़की से ये प्यार करते हैं ज़्यादातर उनको धोखा मिल जाता है। और ये लव लाइफ में ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, प्यार करते हैं, अगर करेंगे तो एक ही लड़की से करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि जगह जगह भटकना है या जगह जगह जाना है। अगर इनको धोखा मिल गया तो देवदास बन के बैठे रहेंगे, मतलब उस तरह से इनका रहता है। ज़्यादा लड़कियों के पीछे ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करते हैं। नेचर वाइज बात करें तो नेचर थोड़ा सा सही रहता है लड़कियों के लिए, रेस्पेक्टफुल भी रहता है और नॉन रेस्पेक्टफुल भी रहता है। मतलब दोनों में डिफरेंसेस ये है कि अगर कोई, मतलब लड़कियों के लिए गलत विचार नहीं रहते हैं, लेकिन अगर कोई गलत लड़की कुछ बोल दे तो उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं, उसके लिए बहुत ही बेकार भी साबित हो जाते हैं। और इनका यूथ जो समय रहता है, जो जवानी का समय रहता है, वो नॉर्मल एक तरह से लोगों से थोड़ा सा, जो यूथ जो रहता है उससे थोड़ा सा हल्के हटके रहता है। ये थोड़ा मार पीट या दादागिरी से में रहते हैं। अगर ये दुबले पतले से भी होंगे ना तो आप इनके सामने जाते हैं ऐसे नहीं दादा बन के खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक हिम्मत, एक जो पावर होती है शरीर के अंदर कि कुछ करके दिखाना है, या हम किसी से डरते नहीं है, या हम किसी के सामने खड़े हो सकते हैं, या हम किसी के सामने बोल सकते हैं, या हम पतले हैं तो क्या हो गया, हम डरते नहीं हैं, वो इनमें आपको एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो इनके अंदर आपको देखने को बहुत अच्छी मिलती है। इनका यूथ का टाइम आ गया, अब हम इनकी कॉलेज लाइफ की बात करते हैं। कॉलेज लाइफ इनका, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा बेटर नहीं होते, कॉलेज लाइफ भी इनका नॉर्मल चला जाता है, लव लाइफ भी इनकी ज़्यादा बेटर नहीं होती है। जॉब या बिजनेस की बात करें, ज़्यादातर ये जॉब में सोचते हैं कि हम जॉब में जाएं, लेकिन जॉब में ये ज़्यादातर सक्सेस नहीं हासिल कर पाते हैं, क्योंकि इनकी स्टडी वगैरह अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है जॉब लाइन में। और जॉब भी करते हैं तो नॉर्मल ही जॉब करते हैं ज़्यादातर ये बिजनेस, फिर उसके बाद में बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने फैमिली बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनको ज़्यादातर जो मिलता है 60% इनको फैमिली बिजनेस मिलता है। और दीपक नाम के जो व्यक्ति होते हैं, लड़के होते हैं,
नहीं तो जा कुछ अपने खुद से भी अपना कुछ क्रिएट कर लेते हैं किसी के द्वारा, तो 40% अपने द्वारा क्रिएट किया होता है, बिजनेस पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के करवन एक डेढ़ साल तक, करवन दो डेढ़ डेढ़ दो साल तक इनको थोड़ा सा नॉर्मल बना रहता है। स्टार्टिंग में तो देखिए हर किसी का बिजनेस में थोड़ा बहुत घाटा आता है, लेकिन डेढ़ दो साल तक थोड़ा बिजनेस स्लो सा चलता है, फिर उसके बाद में इनका ग्रोथ अच्छी हो जाती है और बिजनेस भी इनका अच्छा चलने लग जाता है। अब इनकी बात आ जाती है शादी की बात, इनकी मैरिज की बात कह रहे हैं तो इनकी जो वाइफ होती है वो काफ़ी सुंदर होती है, एट्रैक्टिव होती है, लोगों के बीच में घुलने मिलने वाली होती है। लेकिन दीपक नाम की जो व्यक्ति होती है, इनको वाइफ जो होती है, इनके हमेशा मन में ये रहता है कि इनको वाइफ अच्छी नहीं मिली है। ऐसा नहीं कि इनको कहीं तरह किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनके मन में जैसे जिस तरह के विचार होते हैं उस तरह की इनको वाइफ लगता है कि मुझे उस तरह की वाइफ नहीं मिल पाई है। और लेकिन वाइफ जो होती है वो ठीक होती है, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती, ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती है, नॉर्मल रहती है और सही रहती है। इनको अच्छा पक्ष मिला होता है फैमिली वगैरह से भी, नॉर्मल लाइफ इनकी, एक्चुअली इनकी जो लाइफ होती है वो नॉर्मल चल रही होती है, ना हाई क्लास ना ज़्यादा लो क्लास, मतलब नॉर्मली चल रही होती है। अगर इनके पैसों से रिलेटेड बात करें कि लाइफ में सक्सेस कितने होते हैं, लाइफ में सक्सेस जो होते हैं ये 30 साल के बाद में ज़्यादा सक्सेस होते हैं, या ये 28 साल के बाद में अपने बिजनेस को थोड़ा सा ग्रोथ करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि 27-28 साल के बाद में ये अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, मतलब बिजनेस अपने बिजनेस में किस व्यापार, मतलब व्यापार का मतलब कोई भी व्यापार हो सकता है, उस व्यापार में जाते हैं, थोड़ा ग्रोथ करते हैं, 30 साल के बाद में थोड़ा सा ये लाइफ में सक्सेस होते हैं, धीरे धीरे करके अपनी कामयाब पे बढ़ते जाते हैं। इन्हें ज़्यादा पीछे नहीं देखना पड़ता, लेकिन ना ही ये ज़्यादा आगे जाते हैं, नॉर्मली लाइफ, नॉर्मली सिंपल लाइफ अपनी जीते हैं। अगर इनके 40 के आसपास की बात करें कि इनके जो 40 के आसपास की जो रहता है लोगों के बीच में, उस उम्र में ये लोगों के बीच में ज़्यादा घुलने मिलने में यकीन रखते हैं, काम धंधे में थोड़ा स्लो हो जाते हैं और लोग परिवार में भी थोड़ा स्लो हो जाते हैं, लोगों के बीच में संगठन बना के बैठने में थोड़ा सा ये ज़्यादा अपना इनको इंटरेस्ट आता है। फिर इनका समय जो होता है वो सही चलता है, फिर और बुढ़ापे का टाइम भी इनका ठीक जाता है, कोई खास नहीं जाता है, बुढ़ापे के लिए थोड़ी सी सेविंग कर लेते हैं और इनकी जो नॉर्मली लाइफ होती है वो नॉर्मली चल रही होती है। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में हमने कुछ दीपक नाम से संबंधित कुछ जानकारी हमने पाई है, जिसमें हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्टडी और इनके जो लाइफ है, इनकी लाइफ से रिलेटेड जो है वो हमने इनके बारे में जाना है। इनका नेचर के बारे में बात करें तो इनका नेचर काफ़ी अच्छा होता है, आप अगर इनके फ्रेंड हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कभी भी हैं, अगर रात के 12 बजे भी आप इनसे सपोर्ट मांगते हैं, ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप इनके साथ में हैं, अगर आपके ये फ्रेंड है, तो दीपक नाम के जो फ्रेंड होते हैं, जो आपके साथी होते हैं, वो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। 10 फ्रेंड हैं, अगर उनमें से कोई दो फ्रेंड है तो उनमें से दो फ्रेंड का नाम में से किसी का एक का नाम दीपक भी होगा, जो साथ में हमेशा आपके खड़े रहता है। और दीपक नाम के जो रहते हैं वो काफ़ी सपोर्टेबल, काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी पावरफुल और काफ़ी एनर्जीबल और काफ़ी एट्रैक्टिव नाम के लड़के रहते हैं। दोस्तों आज की यह वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए पहले, आपको जो क्वेश्चन है उससे संबंधित आप पूछिए। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, दिक्कत या किसी भी तरह की कोई बाधा है या कोई ऐसी दिक्कत है जिसके समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वह भी आप हमारी ज्योतिष संस्थान टीम के द्वारा पूछ सकते हैं। नमस्कार।